when we talk about eco-friendly, how much basically eco-friendly we are. सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप इको फ्रेंडली करके मानते हो और सच में फॉलो करते हो। और पहली बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्यों इतना ज़रूरी है जानना कि आपके डेली रूटीन लाइफ में कितनी सारी चीज़ें जो इको फ्रेंडली है। इसके सवाल आज थोड़े मैं ये सब सवालों का थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ जो ओबियसली मेरे ओपिनियन में बहुत मायने रखते हैं वीगन इको प्रमोटर। ये तो बेसिकली एक टैग कैरी करते हैं जो हमारे साथ इस कामों में जुड़े, जो खुद को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश में, खुद की लाइफस्टाइल को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश में, हम उन्हें इको प्रमोटर कहते हैं। चलो मैं थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे मैं इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल खुद इस हद तक फॉलो करता हूँ। सुबह उठ के आप जैसे आँख खोल दी है, आप फ्रेश टूथपेस्ट या जो भी पहली चीज़ करते हो वो भी नेचुरल इन्ग्रीडियंट से होने चाहिए। रीज़न ऑब्वियसली आपका खुद का एक पर्सनल रीज़न होता है कि आपको रिफ्रेशनेस देता है, गम्स मजबूत करता है वगैरह वगैरह। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मिसवाक है, डाबर का भी आता है एंड देर आर मल्टीपल अदर देन दोज ऑल्सो जो नेचुरली कहा जाता है जिनको। अब फेस्ट यूज़ करते वक्त लगने वाला ब्रश, उसका हैंडल तो प्लास्टिक का होता है या रबर का होता है या मैक्सिमम पीवीसी का भी होता है जो मैंने देखे हुआ है। सो क्या उसमें से आपने कभी बाम्बू टूथब्रश यूज़ किया हो? या मैंने खुद ने भी यूज़ नहीं किया बट ऑब्वियसली मैं करना चाहूँगा। जैसे मैं लूँगा आई ऑब्वियसली शो यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। अदर द थिंग आप उसके बाद जो यूज़ कर सकते हो, बाथरूम के लिए पानी लगता है, पानी इज़ ऑब्वियसली H2O इज़ वेरी नेचुरल। अदर थिंग शैम्पू कंडीशनर, उसमें भी नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स वाले काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इफ़ यू डोंट नो द ऑप्शंस। अगर आपको पतंजलि है पता है, काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स भी हैं, वो छोड़ के भी काफ़ी लोकल ब्रांड्स भी होते हैं, काफ़ी लोग घर पे भी बनाते हैं, शिकाकारी से भरा आंवला से मिले, लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैं खुद नेचुरल शैम्पूस, सोप बार्स, कंडीशनर्स, बॉडी वॉशेस यूज़ करता हूँ। काफ़ी ताज्जुब की बात इसमें ये भी होती है कि क्लोथ्स में भी फैब्रिक्स आते हैं, ऑब्वियसली कॉटन है एक चीज़, बट एक बाम्बू फैब्रिक करके भी चीज़ आती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया, इट्स वेरी स्मूथिंग इफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है बॉडी में आपको एंड इट्स वेरी लाइट। हाँ, थोड़ा जिसे आप कह सकते हो थोड़ा बहुत बॉडी फिट आता है, बट इट्स प्रीटी वर्थ ट्राइंग समथिंग न्यू। अनदर थिंग, डिस्पोजेबल कटलरीज भी आती है, काफ़ी लोगों ने हरी का लीव्स देखी होंगी, बाम्बू के भी स्पून्स एंड फोक्स आते हैं, सो दैट इज़ अनदर थिंग। और कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आपने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे? अपने डिटर्जेंट्स आते हैं इको फ्रेंडली, मतलब ऑब्वियसली उसमें काफ़ी सारे सर्फेक्टेंट्स नहीं होते, काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं जो काफ़ी लेस हार्म करते हैं, बट ऑब्वियसली बैक्टीरिया उतना ही मारते हैं, वायरसेस भी उतना ही मारते हैं, इसके काफ़ी रिसर्च भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से कंपनी के खरीदते हो। और तो बेसिकली ये वीडियो इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ कि इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, सो इट्स नॉट ओनली दैट यू आर स्टक एनीवेयर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग सो मच एफर्ट्स टू मेक योर लाइफ और एवरी डे टू डे लाइफ वेरी ग्रीन एंड नेचुरल इको फ्रेंडली। सो डू चेक, और आप भी कमेंट करना ये वीडियो देखने के बाद कि आप अपने लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें रीयूजेबल यूज़ करते हो जिससे आप अपना एक इम्पैक्ट बना रहे हो, भले छोटा ही सही बट ज़रूर कुछ एक इम्पैक्ट बना रहे हो जिसका कोई इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए, बहुत ही छोटे बड़े लेवल मैटर नहीं करती। बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो इन डाउन बिलो कमेंट, ऑब्वियसली गिव योर सजेशन ऑल्सो गिव मी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हुई है मुझसे, डू ऑब्वियसली कमेंट यू एंड शेयर विद योर पीपल।